पास अ टीवी टॉवर वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. ओके, ये एक टावर है. ओके, ये एक कैनल है. इस कैनल में दो पॉइंट हैं. एक पॉइंट है सी, जिसके साथ इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री. फ्रॉम अनदर पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री. ये एक्चुअल में फिगर जो है ये दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ये फिगर आपको मिल जाता है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो मैंने हाइट ऑफ टावर कितनी मानी, एच. सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं एसीबी. एसीबी ट्राइंगल में टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है, ए बी. बेस कितना है इस ट्राइंगल का, बेस है बी सी, ये लिख लिया. थीटा बताइए कितना है, थीटा है 60 डिग्री. इस ट्राइंगल में थीटा 60 डिग्री है, स्मॉल ट्राइंगल लिया है हमने अभी, थीटा 60 डिग्री. परपेंडिकुलर एच और बेस बी सी. टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री. बी सी इधर आ जाएगा, ये किसकी, ये क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई एच का बी सी के टर्म में. ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप. अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, स्मॉल ट्राइंगल तो आप ले चुके, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं. ये ट्राइंगल ए डी बी. ए डी बी ट्राइंगल में फिर से टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन बेस क्या है, डी बी. ठीक. अच्छा, बी सी को मैं थोड़ी देर के लिए अगर एक्स मानता तो ये कितना आता, 20 प्लस एक्स. बेस पूरा बी डी जो है ये कितना होगा, 20 प्लस एक्स के इक्वल होगा. यहाँ पर बी सी की जगह हम क्या लिख लेते हैं, एक्स. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगा. ठीक, 20 प्लस एक्स. ए बी की वैल्यू एच, बी डी 20 प्लस एक्स. थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री. इस बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री. टेन 30 कितना होता है, 1 बाय रूट थ्री. यहाँ से 20 प्लस एक्स इधर आ जाएगा और इधर एच रूट थ्री. ये यहाँ से h की वैल्यू कितनी है, x रूट थ्री. रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री. साथ में क्या चल रहा है, x. ये x इधर जाकर माइनस हो जाएगा, टू से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मीटर. ठीक है, कैसे निकाला फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को. यहाँ पर एक टावर है, ये दो पॉइंट, ये एक पॉइंट है इस कैनल में. इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और एक और दूसरा पॉइंट है विच इज 20 मीटर अवे, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से 30 डिग्री है. ठीक, ये हमें पता है 20 मीटर है. हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर. ठीक है, और हमें ये डिस्टेंस भी निकालनी है ये टावर से. ठीक, विड्थ ऑफ कैनल भी हमें टोटल निकाल के देनी है कि ये टोटल विड्थ कितनी है. कैसे निकालेंगे, हमने सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए सी बी. इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी. बी सी को हमने क्या माना है, एक्स. तो यहाँ पर हमने बी सी की जगह क्या लिख दिया, एक्स. सब जगह बी सी की जगह एक्स. ये ठीक, 1060 कितना होता है, रूट थ्री. परपेंडिकुलर एच है, बेस एक्स है. ये ठीक, एक्स इधर आ जाएगा तो ये किसकी वैल्यू निकल गई, एच की वैल्यू. ठीक, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. नाउ
हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, इस बड़े ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी डी। तो ये बेस बी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, इतना 20 है इतना x है तो टोटल कितना होगा 20 प्लस एक्स। तो ए बी की वैल्यू तो h रखी, बी डी की वैल्यू 20 प्लस एक्स, टेन थर्टी 1/√3 होता है, ठीक है। 20 प्लस एक्स इधर आ जाएगा और रूट थ्री इधर आ जाएगा, बट h को हम क्या लिख सकते हैं, x रूट थ्री, वो यहाँ लिखा √3 × √3 एक्स उधर जाकर माइनस हुआ 2x बचा, 2 से डिवाइड किया 10, ठीक। ओके क्वेश्चन नंबर 12 दिखाता हूँ आपको। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ये बिल्डिंग है 7 मीटर की, ठीक। इसके टॉप से एक बिल्डिंग, एक टावर है, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया, 7 मीटर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर कोई एंगल बनता है तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल कब बनता है, जब किसी बॉडी को, जब किसी हाइट को हम यहाँ से देखते हैं, किसी टॉप को नीचे ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तब कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन इसका उल्टा, अगर मैं यहाँ से खड़े होकर इस पॉइंट को देख रहा हूँ तब क्या होगा, तो आंसर है यहाँ भी एक एंगल बनेगा, लेकिन वो भी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दिस एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। ये समझ आया, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पर सपोज दैट ए बी सी, तो सी पर अगर आप खड़े हैं और ए को देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर देखने पर क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये किस किस के बीच का एंगल है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। लेकिन आप ए से खड़े होकर अगर सी को देख रहे हैं तो फिर से यहाँ एक एंगल बनना चाहिए, वो एंगल किस किस के बीच में मिलेगा, ऑफ कोर्स लाइन ऑफ साइट और क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस एंगल का नाम एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और इसका नाम एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस बिल्डिंग से इसके टॉप का तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यानी नीचे से ऊपर देखना है, इसके फुट का डिप्रेशन का एंगल बन रहा है, तो डिप्रेशन का एंगल बताइए किस किस के बीच का एंगल होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ से खड़े होकर इसके फुट को देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए यहाँ ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतनी बात समझ में आई आपको, फिर से बताता हूँ, ये एक बिल्डिंग है 7 मीटर, ये एक टावर है, इस बिल्डिंग से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, इस टावर के फुट से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से खड़े होकर इसको देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये फिगर बन के तैयार हो गया, ए बी सी डी ई, ठीक। अब मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल में हम कैलकुलेशन करनी है, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक।
उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मैंने माना कि ये हाइट ऑफ जो टावर है वो कितनी है h, टोटल हाइट मैंने कितनी मान ली h, ये 7 है ये h है तो ये कितना होगा h माइनस 7 इतना मीटर, ये टोटल h है, ये इतनी लेंथ 7 है, ये 7 क्यों है क्योंकि ये 7 है, ये 7 है, ये टोटल h है तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक h माइनस 7, ये फिगर बन के तैयार हो चुका है। अब मैं एक बार ये ट्राइंगल लूँगा, एक बार ये ट्राइंगल लूँगा और उन दोनों को आपस में सॉल्व करूँगा और वहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, h की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, दिखा, सबसे पहले ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी, इस ट्राइंगल को देखिए आप, ठीक, इस ट्राइंगल में ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है, ठीक, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस क्या है बी सी, ठीक, यहाँ से टेन थीटा, थीटा आपको दिखाई दे रहा है कितना है 60 डिग्री, इक्वल्स टू ए बी, ए बी देखिए वहाँ कितना है h माइनस 7, बी सी बताइए कितना है, बी सी हमें पता नहीं कितना है, ठीक, टेन 60 रूट 3 इधर h माइनस 7 अपॉन बी सी, बी सी इधर आ जाएगा अपॉन रूट 3, रूट 3 इधर आ गया, बी सी इधर आ गया, ठीक, बट आप देखिए ये बी सी किसके इक्वल है, ई डी के, ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये क्या है एक पैरेललोग्राम, ठीक, ओके, तो मैं बी सी को क्या लिख सकता हूँ ई डी, तो यहाँ पर बी सी की जगह लिख देता हूँ ई डी, ठीक है, यहाँ तक भी समझ आता है, ये एक ट्रायंगल लिया, एंगल की वैल्यू पुट की परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू पुट की, बेस इधर आ गया रूट थ्री इधर आ गया, बट ये बेस किसके इक्वल है ई डी के, ठीक, एक काम हो चुका, एक रिलेशन आ चुका, ठीक, दूसरा ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ सी डी ई, सी डी ई ट्रायंगल में फिर से टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है सी ई, बेस क्या है ई डी, ठीक, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में कितनी है 45 डिग्री, सी ई, सी ई कितना है 7, ई डी, ई डी कितना है, ई डी की वैल्यू ये हमने यहाँ निकाली है, ये कितनी है h माइनस 7 अपॉन में क्या रूट 3, ये यहाँ पुट कर दी ई डी की वैल्यू, ठीक, टेन 45 कितना होता है 1, और इधर क्या चल रहा है एच माइनस 7 और ये रूट 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक, एच माइनस 7 इधर आ जाएगा और इधर 7 रूट 3 चल रहा है, एच ऐसे ही ठीक है, ये माइनस का 7 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इससे आगे यहाँ से 7 कॉमन, तो आंसर कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, इसका फिगर कैसे बनाया था, एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये एक टावर है, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, फुट का यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 45, ये 45 है तो ये 45 होगा, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इन दोनों इस ट्रायंगल को सॉल्व करके BC की वैल्यू निकालो, यानी कि ED की वैल्यू निकल जाएगी, अब ED पता है, CE पता है, H की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, बहुत आसान वाला क्वेश्चन है।